इसको बोल दे कि मैं यहाँ नहीं हूँ। हेलो, कौन? मिस्टर राव है क्या? सर, तो गोदावरी नदी पर पूजा में। अच्छा, तुम्हारा मतलब पिंडदान? ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, कोई बात नहीं। पूजा को पिंडदान कह रहे, कौन है आदमी? देखो, इनका हस्बैंड मैं हूँ, लेकिन ये मेरा हस्बैंड है, अमेरिका में रहता है। हर 10 मिनट में मुझे फोन करता है मेरा हाल चाल पूछने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन काफी है या और बताऊँ? ला मेरा फोन इधर। इस बॉल पे गुस्सा? भैया, क्या गुस्सा होते रहते? अरे, गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे, $10 मिलियन का प्रोजेक्ट छोड़ के मैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आया हूँ क्या? है मुझसे ये सारे उल्टे सीधे काम क्यों करा रहे हैं पता नहीं। है, अरे मुझे तो लगता है कि ये सारा पूजा पाठ करके पापा अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ कैदी की तरह बैठे हुए हैं। भैया, मुझे लगता है कि वो बाहर से दिखने में स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिंक रीएंट्री। ए रघुराम भैया, पोते से मृत्युंजय यज्ञ करवा के 25 साल और जीना चाहता है। वारे इस उम्र में शरीर और जमीन से प्यार क्यों है? अब तो मोह छोड़ दे, यहाँ रह नहीं सकता लेकिन जा भी नहीं पा रहा। बहुत बुरा लग रहा है शरीर और हम दोनों को। हमें तो नहीं लगता कि तू 25 दिन भी जी पाएगा। ये बात पक्की है, ये सिंह ब्रदर का ब्रह्मवाक्य है। भैया, मुझे भी लगता है कि हम इनकी बात से सिंक में है। नहीं, महेश पानी लेकर आ। अब तो इन्हें गंगा जल दो, वही पिएंगे और निकल लेंगे। घर की औरतों ने पहले से ही मिला दिया होगा ना? किसी ने यहां मौत के बारे में बात भी की तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। डोर ओपन, ही इज ओपनिंग। ये तो धोखे की घंटी बज गई, चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं। चलो पापा, घर चलते हैं, यहाँ तो मारामारी चालू होगी। अरे बैठो, पूरी फाइट देख कर जाएंगे। क्या मारता है? जितनी बुरी तरह हमारे आदमियों को पीट रहा है, लगता नहीं उन्हें गुस्से से पीट रहा है, लगता है कि अपना फैमिली फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल रहा है। क्या बात है। नीचे उतारो, नीचे उतारो। लगता है कि अब उसका फोकस हम लोगों पर है ब्रो। लगता है सिंह की जरूरत नहीं है, भागो। चलो पापा, बहुत देख लिया, उसे पीटने के बाद वो भी घर आ जाएगा। चलो रुको रुको रुको, आज के बाद हम कभी भी तुमसे या तुम्हारे दादा से पंगा नहीं लेंगे। लिया तो
हम यही सिंक में रहते हैं, तुम हमें ढूंढ के नदी में गाड़ देना। ओके ब्रो, लेट्स गो। हाँ, थोड़ा ध्यान से करना। तुमसे बात करते हुए मैं नारियल खा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लाइटली लोगे। देखो, मेरा इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ लगा हुआ है। प्रोजेक्ट एकदम साफ होना चाहिए, जैसे सिल्क की धोती। भैया, आपका दोस्त इंतजार कर रहा है। यहाँ मेरा कौन सा दोस्त आ गया है? ये आदमी जो फोन पर पूजा को पिंडदान समझ बैठा था, अमेरिका से आया है। जाइए, मिलिए, बैठा है अंदर। अमेरिका से? ये यहाँ कैसे आ गया? लो, हम पहुँच गए घर। पापा भी आ गए। ओह माय गॉड, ये तो तस्वीर को माला चढ़ा रहा है। तुम लोगों के लिए अंदर एक सरप्राइज है। अंदर कोई सरप्राइज नहीं, तुम क्या कर रहे हो उधर? शादी पास आ रही है, देखो तुम शॉपिंग करके आओ जल्दी। हाँ सही कहा, जाओ जाओ जाओ। ए, पापा पापा, आपको भी जाना पड़ेगा। आप घर में सबसे बड़े हैं, आपकी नजर के सामने शॉपिंग होगी तो अच्छा होगा। नमस्ते सर, वेलकम टू इंडिया। नमस्ते, यू आर ग्रेट सर। मतलब सच में आप इन पर लगी माला को गिरने तक नहीं दे रहे। डाली ना सर, अपने हाथों से डाली प्लीज। अब ये मुझसे माला डलवा रहा है। प्लीज सर, आइए सर, आइए आइए। रमेश, आप मेरे लिए एक बेस्ट एग्जांपल हो। केयरफुल, बेस्ट एग्जांपल हो अपने बेटे के लिए। सर, आपके पिता आपके बेटे की शादी देखने से पहले ही गुजर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सर, बैड लक। अगर आज वो यहां जिंदा होते। क्या हुआ सर? नमस्ते भाई साहब, ये तुम्हारे दोस्त हैं। मैंने लड़की वालों को भी बुलाया है, एक बार साई और उसकी मंगेतर आ जाए, फिर सब साथ में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। सर, वो असल में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया सर। मिसकम्युनिकेशन? ऐसा कि आपने अपने बाप को मार दिया? नो सर, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। डू यू नो समथिंग, हमारे घर में कोई भी धार्मिक फोटो नहीं है, सिर्फ मेरे माता पिता की फोटो है। जब तक मैं उनकी प्रार्थना ना कर लूं, मेरा दिन शुरू नहीं होता। और तुमने मुझे एक ऐसे आदमी की तस्वीर पर माला चढ़ाने दी जो जिंदा है। तुम इंसान भी हो या नहीं? आई एम रियली सॉरी सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, कोई बात नहीं बेटा, यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसने मुझे जिंदगी भर का पाप चढ़वा दिया है। एक तरफ तो ये मुझे बिना बताए अपने बेटे की शादी कर रहा है, और दूसरी तरफ ये लोगों से कह रहा है कि इसका बाप मर चुका है। बताइए मैं इसके साथ क्या करूं? He is a disgusting man. ये तो मेरे पापा का आशीर्वाद है, इस रिश्ते के आगे बढ़ने से पहले मुझे इसकी असलियत दिख गई। बेटा ऐसा मत कहो, ये बुरा नहीं है, पर पता नहीं ऐसा कैसे कर दिया। प्लीज अब आप कुछ मत कहिए, इसे कभी माफ मत कीजिएगा। सर, गॉड फॉरबिड, अगर आपको कैंसर हो जाए तो आप शायद ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपके घर में एक ऐसा बेटा है तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ईश्वर से बहुत प्रार्थना है कि आप लंबा जिए। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन सर, चलता हूं। सर Hey, Sai, could you drop me to the airport, please? Please come, sir. Okay. बेटा, मुझे सच में नहीं पता था कि वो घर के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद पापा। आपको पता है इतने दिन हफ्ते जिंदा रहकर आपने क्या हासिल किया है? अपने बेटे की बर्बादी, मेरा डाउनफॉल। इतने सालों में जो मैंने नाम और इज्जत कमाई थी, कुछ सेकंड्स में तबाह हो गई। जहां से शुरू किया था आपने वहीं लाकर पटक दिया। मैंने आपको जाने के लिए कहा था, लेकिन आप जानबूझकर मुझे उनके सामने जलील करने के लिए अंदर आ गए। क्यों, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं आपको शुरू से देख रहा हूं। आपने मेरे बेटे को कैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया और मुझे यूएसए आने के लिए मजबूर किया।
उसकी शादी करने के मेरे सपने पर पानी फेर दिया। आपने अपने बच्चों की शादी अपने आंखों से देख ली है, काफी नहीं है? जब आदमी बूढ़ा होता है तो वो मर जाता है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। आपने इतने सिंपल मामले को बहुत 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 सीरियस कर दिया और बहुत बड़ा कर दिया। हाँ, और खुश हो रहे हो, हर दिन को एक फेस्टिवल बना रहे हो, यह सब क्या चल रहा है? हाँ, 70 साल इतने फेस्टिवल मनाए काफी नहीं है क्या? और आखिरी दिनों में यही सब कुछ चाहिए? सुनो, तुम सबको एक बात पता है क्या? इन्हें लग रहा था कि हम सब इन्हें छोड़ के चले ना जाए, तो इन्होंने मेरे बेटे को फुसला कर रिटर्न गिफ्ट का नाटक रचा, उसे झूठ बुलवाया ताकि हम सब लोग इधर ही रहे। अभी हमें चारों तरफ घुमा रहे हैं, कभी शादी कभी पूजा, ये सब चल रहा है। पापा, आपके आखिरी दिनों में हम मिलने के आ गए, अच्छा सबक सिखा दिया आपने। मुझे एक डाउट हो रहा है, जब आपको कहीं जाना होता है तब आप एक मिनट भी देर से नहीं पहुंचते, तो इस बार टाइमिंग कहां गड़बड़ा गई? What is this? I mean, what is this? अब आप क्यों नहीं कुछ कह रहे पापा? बताइए ना, अब आप इस तरह चुप क्यों हैं? गायत्री, आप चुप रहिए। बस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा गला सूख रहा है, मेरा दिल अब रुक जाना चाहता है। अब अगर एक शब्द भी कहा तो शायद सुनने के लिए जिंदा ना रहूं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। अब अगर तुम लोग 10 मिनट और रुके तो शायद 10 दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। मेरी बात मानो और चले जाओ। खैर छोड़ो, बची हुई जिंदगी आसान नहीं है। चलो जी चलो, अब ये हमारे सवालों से बचने के लिए कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, मैंने ये ड्रामा कभी देखा नहीं? चलो अंदर, चलो चलो, टाइम नहीं। मोमेंट, कम ऑन। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे दादा के लिए ऐसा कौन सा काम किया है कि वो उन्हें अच्छा बेटा मानते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे कहीं बेहतर बेटा बनना होगा अगर इतिहास में खुद को याद रखवाना है। Oh.
क्यों, क्या हुआ? पापा वो दादाजी। समझ गया, पापा नहीं रहे। मैं नहीं आ सकता, पिछले 24 घंटों से बिना सोए हुए ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे बैक पेन भी हो रहा है। अब मैं दोबारा नहीं आ सकता। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि दामोदर मेरे साथ क्या करेगा। मुझे बहुत सारी ईमेल आ चुकी है, वो सब ठीक करना। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, आप सबसे बड़े हैं, क्रियाक्रम तो आप ही को करना है। अरे ये रूल है, कंपलसरी नहीं है। मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। मरने वाले का सबसे पसंदीदा आदमी क्रियाकर्म करता है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए तुम्हें ही उनकी अंत्यविधि करनी पड़ेगी, यही अच्छा होगा। वो तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तुम ही कर दो। जैसा कि तुम्हें बड़े भाई ने कहा, तुम ही सारे क्रियाकर्म कर देना। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अगर मैंने कहा कि मैं फिर से जा रहा हूँ, they'll just fire me। तो हम तुम्हें 13वीं के दिन मिलेंगे, ठीक है? टेक केयर। बेटे नहीं आएंगे तो फिर बेटी वहाँ आकर क्या करेगी बताओ? सिर्फ रोने के लिए? हम चारों साथ हैं तो ही अच्छा लगेगा। मेरे पति रात देर तक काम करते हैं और बच्चे अकेले रहते हैं, इन्हें छोड़कर आना मुश्किल है। सोच लेना कि हम हैं और सब काम कर देना। क्या उन्हीं के पास न आने का कारण है, हमारे पास नहीं? हफ्ते भर के लिए आए थे, महीने भर का नुकसान हो गया है। वैसे भी मेरे पति को उनकी शक्ल देखने की कोई इच्छा नहीं है, और ये तुम्हारे चाचा नहीं, मैं बोल रही हूँ। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं, सामान भरो उसमें। बोल बोल के गला सूख गया मेरा।